गाइस, वेलकम टू लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक वीडियो एंड किया है और उसको मैं प्रॉब्ली आज ही डाल दूंगी, आज डाल दूंगी। इसमें यूट्यूब में भी मैं एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा कभी कभार आलस हो जाता है, बट हाँ। सो यहाँ पर ना अन्विति का नेल सलून चल रहा है, तो अन्विति ने देखे मुझे क्या नेल्स दिए विद अ हार्ट ऑन। और अन्विति को मैंने दिए हैं ब्यूटीफुल नेल्स। ये जो आप शेड देख रहे हैं इसमें ना मैंने 3-4 अलग अलग लिपस्टिक्स लगाई हुई है। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको पता होगा कि वुलवर्थ्स में ना जहाँ से हम सामान लाते हैं वहाँ पे ना हाफ प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हाफ प्राइस बहुत फेमस है, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जब यू नो चीज़ें हाफ प्राइस पे जाएँ तभी, या कोई ऑफर में हो तभी मैं लेती हूँ। तो अभी जितना भी मेकअप कॉस्मेटिक सब सामान है सब हाफ पे है, तो मैं ये लाई थी रेवलॉन का न्यूड मैट कलर। आई वॉज आइंग ऑन दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैंने कहा थोड़ा प्राइस नीचे आता है तब लेती हूँ। तो अभी ये हाफ पे था, $12 का मिल गया, तो मैंने उठा लिया। बट आई क्वाइट डेंट लाइक द कलर ऑन माई लिप्स, तो इसके ऊपर फिर मैंने एक हल्का सा रेड टिंट वाला, मेरे पास हल्का नहीं काफ़ी अच्छा रेड टिंट वाला मेरे पास एक लिप ग्लॉस है वो लगा लिया, तो सब मिक्स हो के। और पहले से पर्पल मैं लगाए हुए थी, तो 3-3 कलर मिल के। सो आज मेरा बहुत कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, मैंने कहा मुझे चटपटा खाना है और बनाना भी नहीं है। तो ये एक अनुज को हिंट थी कि अनुज ये बोल दें कि ठीक है मैं बना देता हूँ, पर वहाँ से भी सामने से कुछ अच्छा रिस्पांस आया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा कुछ चटपटा खाना है, बताओ क्या मंगा लेते हैं, आज बाहर से मंगा लेते हैं। मैंने कहा चलो बाहर से ही मंगा लेते हैं। और आज थर्सडे है, आज पूरा वेज खाते हैं हम लोग, नॉन वेज खाते नहीं है। वेज में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं है बाहर, मतलब समझ नहीं आता, ऐसा लगता है जब बाहर से ही खाना है तो फिर वेज क्यों। तो हम लोग हमेशा दिन देखकर मंगाते हैं, ट्यूसडेज और थर्सडेज को बाहर से नहीं मंगाते हैं। बट आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आज बस ऐसे ही चिलैक्स करने का मन कर रहा है। तो मैंने भी बाहर से मंगाया है, पनीर मंगाया है, शाही पनीर मंगाई है, गार्लिक नान मंगाए हैं, नूडल्स मंगाए हैं अन्विति के लिए, और मंचूरियन मंगाया है। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतनी बारिश हुई है सुबह से, तो ठंडा सा हो गया। जैसे 2-3 दिन से बहुत गर्म था, ठंडा सा हो गया, और अभी इसलिए मैंने आई एम वेयरिंग दिस पुल ओवर। कितना अच्छा लग रहा है ना। गर्मियों में जब बारिश होती है ना बहुत अच्छा लगता है, और उतना ही बुरा तब लगता है जब ठंड में बारिश होती है, क्योंकि गर्मियों में ना एकदम से टेम्परेचर डाउन आ जाता है। और मैंने आज बेडशीट्स धोए थे, सो इट वाज रॉन्ग चॉइस ऑफ द डे। बट फिर मैंने यहाँ अंदर ही अपने ये बेडशीट्स सुखा दिए, क्योंकि बाहर तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम जस्ट लविंग इट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैबी का ट्रैम्पोलिन भी धुल जाएगा। अभी जो लास्ट बारिश हुई थी ना, तो मेलबर्न में ना कभी कभी मटमैली बारिश होती है, मतलब जितना भी पानी गिरता है ना वो बहुत मिट्टी वाला पानी गिरता है, ब्राउन कलर का। तो जो लास्ट बारिश हुई थी वो पूरा ब्राउन हो गया था कैबी का ट्रैम्पोलिन। अभी होपफुली देखो शायद धुल जाए, तो अच्छा है, नहीं तो फिर खुद से काम करना पड़ेगा। Hey guys, मैं ना बहुत देर से ना मुझे घबराहट हो रही थी, हम लोग सामान लेने गए थे और आई नहीं, और वो पास में ही है बिल्कुल, तो 5 मिनट्स का रास्ता है और अनुज को 1.5 घंटों के नाम नहीं कि कहाँ है। तो अब आए हैं अनुज, और देखिए क्यों लेट हुए। अनुज लेट हुए क्योंकि आज उनकी बेटी ने डोसा कहा था, और जहाँ से लाना था वहाँ पे डोसा था नहीं, तो अनुज दूसरी जगह गए थे और वहाँ से बनवा कर लाए हैं। अभी सरप्राइज है, उसको पता ही नहीं। तो अनुज कह रहे हैं धीरे से बोलो, और अनुज हमारे लिए भी ये लाए। अनुज निराले ही है, पता नहीं कब उनका क्या मन कर जाए। और मेरा कॉफ़ी मेट ख़त्म हो गया, तो कॉफ़ी मेट भी लेकर आए, इसलिए बहुत देर हो गई थी। मुझे ना बहुत घबराहट होने लगी थी कि बहुत देर हो गई है, क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने कॉल भी करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने कॉल पिक नहीं किया है बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग, तो मैंने सीधे रेस्टोरेंट कॉल किया। यहाँ पर रिएक्शन दिखाती हूँ। हैप्पी पापा बहुत बारिश में लेकर आए हैं आपके लिए। पापा आप खा लो, पापा बारिश में
सिडनी ओवर। ये है हमारा खाना, मंचूरियन नूडल, शाही पनीर और गार्लिक नान। अनुज ना ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश लाए और दो लाए थे क्योंकि ये भी बुलीज में हाफ पे थे। वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस $70 है पर अभी $35 में मिल रहा था तो 70 के दो मिल गए हमें। और इसको मैंने ओपन कर लिया ऑलरेडी, ये भी बंदा इट्स सो इम्पैक्टफुल कि मुझे लगा ये चीज़ मुझे ज़रूर आप लोग को शेयर करनी ही चाहिए। इसकी ओपन, इसको ओपन करती हूँ मैं आपके सामने। अनबॉक्सिंग हम दोनों का ही एक ही कलर का है तो दिस इज द ब्रश। ये लाइट, ये पता है इसमें भी मोड है जैसे डेंटिस्ट का जो होता है ना जब आप क्लीनिंग करवाते होते, वैसे ही फीलिंग आ रही थी। और ये उसका चार्जिंग स्टेशन है। सो ये केस है इसके साथ, ये ट्रैवलिंग केस है एक्चुअली, तो इसमें निकाल के आपको इसको रखना पड़ेगा और अदरवाइज इसको ऐसे आप अपने स्टेशन पे कर सकते हैं पार्क। मेरा मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, सो गुड सो गुड। इसके साथ में एक्स्ट्रा भी है ना, एक ही? नहीं नहीं एक ही था। ये वाला लगा दो, ये वाले ना अनिति के वैनिटी के हैं, मतलब बेबीज के हैं और मैडम को खुद पे लगवाने हैं। पहले ना अनविति बाल नहीं करवाती थी, फिर अभी ये एक दिन इसे दिख गया दिस इज डी टैंगलर तो खुद ही बोली मम्मा आपने कहा था डी टैंगलर लेना है एंड उसने खुद से ही पिक कर लिया। दिस वॉज फॉर $10 इन वुलीज और अब तो जब भी कहो हाँ मम्मा कि बेटा बाल काट लो, हाँ मम्मा मैं ला रही हूँ और ये लेके मस्त बैठ जाती है। तो आई थिंक इससे पेन नहीं होता होगा तभी इसे इतना शौक है, वरना इसे ज़रा सा भी पेन होता है ना तो ये हेयर अपने कॉम नहीं करवाती है। देन अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस करें देन डू ट्राई डी टैंगलर, मे बी आपके केस पे भी वर्क करे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। फ्रीज़र में जो भी चिकन एग्स और ये सब रखे हुए हैं ना अब उनको यूज़ करना है क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है। आज हम इंडियन स्टोर जाएंगे, थोड़ा व्रत का सामान लाएंगे और मतलब व्रत तो रहना ही है, पहला और आखिरी रहते हैं मैं और अनुज, तो वो फास्ट का सामान लाना है। प्लस इस थर्सडे से मैं थर्सडे का व्रत भी स्टार्ट कर रही हूँ। होपफुली मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि थर्सडे का व्रत मेरा स्टार्ट हो जाए लेकिन जब भी सोचती हूँ वो डेट निकल जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि इस बार सब कुछ अच्छे से रहे और मेरा थर्सडे का फास्ट फिर से स्टार्ट हो जाए और कल से तो फिर फास्ट है नवरात्र। ये फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, फेस्टिवल स्टार्ट होते ही एक अलग सी ही फीलिंग आने लग जाती है, अलग सी वाइब्स होती हैं एवरीवे, पॉजिटिविटी, घर सजाने को मिलता है, अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है बट हाँ बहुत अच्छा लगता है। हे गाइस अभी बज रहा है रात का 10:30 और कैपी को नींद के कोई नामो निशान नहीं है, आज उसको नींद ही नहीं आ रही है, दिन में भी नहीं सोई, अभी भी सोने का मन नहीं कर रहे हैं। तो अनुज बोले कि उसको थोड़ा सा कुछ करवाते हैं क्राफ्ट वगैरह जिससे उसको अच्छा लगे और खाना बना रखा है बट अनुज का खाना खाने का मन नहीं था। सो अनुज एक नूडल्स बना रहे हैं मी गोरेंग करके, शायद इंडिया में भी आती है बट आई एम नॉट श्योर कि हर जगह अवेलेबल है कि नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट है और वो बना रहे हैं। वो मलेशियन है बेसिकली वो, फिर कल तो फास्ट है। तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने ना अपने सारे पेंट्स निकाले हैं जो भी मेरे पास बचे हुए थे और ये मेरे पास वुडन लेटर्स हैं, ये अनविति की थर्ड बर्थडे पे खरीदे थे हमने टेबल पे लगाने के लिए, तो ANVITI। तो मैंने अनविति से कहा कि ठीक है तुम पेंट करो, एन और टी है इसमें ही, उसको मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसको ना मैं उसके बेड के ऊपर लगाने की सोच रही हूँ। और कलर्स देख के ना मेरा भी बहुत मन कर गया कि मैं भी कुछ पेंट करूँ, तो मैं भी अपने लिए कैनवस निकाल के लाई हूँ एंड ब्रशेस निकाल के लाई, एंड आई ऑल्सो पेंट समथिंग आई डोंट नो व्हाट बट हाँ कुछ करूँगी आज रात को अनविति को सुलाने के बाद। सो आई जस्ट डिड द पूजा और आज थोड़ा सा पूजा में लेट हो गया बट हाँ पूजा अच्छे से हो गई, मैं फास्ट हूँ और कल हम सामान ला नहीं पाए थे इंडियन स्टोर से तो अभी जा रहे हैं और फिर मैं कुछ लाऊंगी। अभी आपको मंदिर दिखाती हूँ और ये मैंने मंदिर साफ करके फिर से सजाया है। यहाँ पर वॉल्स में मैं कुछ करने वाली हूँ, दोनों वॉल्स पे मेरे पास सामान भी रखा हुआ है बट अभी क्योंकि इतनी देर हो रही थी तो मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। यहाँ पर भी इंडियन
स्टोर में हर सामान मिलता है हमारी ज़रूरतों का यहाँ पे, इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। हर तरह की दालें हैं, हर तरह के मसाले हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। एंड इवन रेडी टू ईट चीज़ें भी बहुत सारी मिलती है, जैसे चटनी तक बनी बनाई यहाँ पे मिलती है, और साबूदाना टिक्कीस, पराठे और रोटीज और मेदू वड़ा, इडली, मतलब यू नेम इट, और यहाँ पे सब कुछ बना बनाया मिलता है। बस आप जाइए और उसको पैन में या अवन में गरम करिए एंड यू आर गुड टू गो। अनुज ने कहा कि चलो चलते हुए कॉफ़ी भी ले लेते हैं, तो 7-Eleven पे रुक गए थे हम। और यहाँ पर कॉफ़ी की मशीन्स ऐसी होती हैं, आप बस चाहिए वहाँ पे अपना कप रखिए एंड बटन्स प्रेस करिए एंड अपने आप कॉफ़ी ले सकते हैं डिस्पेंसर से। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जस्ट आप चाहिए, आपने जितनी भी जो भी क्वांटिटी ली है, यू जस्ट हैव टू पे द बिल फॉर इट। You tell. Sit. Raspberry cola. This is grape, sour grape. This is pumpkin spice latte. This is watermelon. This is watermelon punch. So ये है मेरे व्रत का खाना। ये सब्जी अनुज ने बनाई है, दही वाली लौकी और कूटू के आटे की पूड़ी। और ये दोनों बच्चे फास्ट नहीं है तो ये पनीर और नॉर्मल रोटी खा रहे हैं। सो अभी स्प्रिंग अनियन था ना, वो मैंने काटा था, तो इसकी रूट्स थी अच्छी खासी बड़ी, वो मैंने पानी में मैं डालती गई, और देखिए अपने आप ही कितना बड़ा हो गया। बस इसको आज मैं लगा दूंगी अंदर मिट्टी में एंड होपफुली ये भी निकल आएंगे। एंड अभी मैं ये सब सामान लाई हूँ, आज मुझे देखिए क्या मिला। आज मुझे सत्तू मिला, मैं सत्तू बहुत दिनों से देख रही थी अनुज के लिए बट मिल नहीं रहा था, एंड फाइनली आज मुझे सत्तू मिल गया। कुछ लाई, ये लाई हूँ मैं थोड़ा साबूदाना, शाम को टिक्की बनाऊँगी, मखाने इस घी में फ्राई करके खाऊँगी, सम पीनट्स, मटरी, चना जोर गरम, दलिया लाई हूँ और ये नमकीन लाई हूँ। पापा ने उड़ा दी, कार तो नहीं उड़ती है। अब पापा की पिटाई होगी। नमक मिर्ची डालो, नमक एक सेकंड ऐसे नहीं करने, पहले मैं डाल दूंगी सब करेंगे। कैसे पता चलेगा आपने डाल दिया? आप बता दो कि मारने से पहले क्या मारने वाले हो। अनियन, कोल्डिंग, फ्लावर, लीफ, ब्रांच एंड मैनुअल। मैं मारने वाली। हे गाइस, हम घर पे ही बैठे थे और अनमिति खेलने के लिए कह रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो मैट लेके पार्क में चलते हैं, वहाँ पे अनमिति खेल भी लेगी और हम अपनी कॉफ़ी पी लेंगे वहाँ बैठ के। आज यहाँ पे सिर्फ एक ही केस आया एंड होपफुली वी आर लाइक कि वी आर वेरी नियर, हो सकता है कि जल्दी ज़ीरो हो जाए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये बिल्कुल इराडिकेट तो नहीं होगा, फिर से आएंगे थोड़े बहुत केसेस, फिर से लॉकडाउन होगा, लेकिन अभी का तो लॉकडाउन एटलीस्ट ख़त्म होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। सो पार्क में ये कोई काइट उड़ा रहा है, अनुज का भी मन कर रहा होगा आई एम श्योर काइट उड़ाने का, है ना? मेरे काटने का मन कर रहा है। अनुज का पेच चढ़ाने का मन कर रहा है। टिप्पणी इस पतंग पे, ये वाली पतंग पे देखो, इसमें बहुत सारी वो है कमियां है। पहली चीज तो इसे मंजा नहीं आ गई। अच्छा, तो मंजे के लिए यहाँ पे कोई काटने वाला नहीं है, पर ये बिना मंजे के पतंग नहीं उड़ा सकते, आगे मंजा ही लगता है। अच्छा, और दूसरी चीज पतंग के आगे के जो कन्ने जो तंग जिसे बोलते हैं, तीसरा अनुज क्या, इसकी डंडी, अगर डंडी मोड़ेंगे तो टूट नहीं जाएंगी वो? वही तो ट्रिक है, वही तो आर्ट होती है, ऐसे मोड़ोगे टूटे नहीं, वो उड़े नहीं। तो अपनी वाली तो पतंग दूसरी होती है, वो तो तोड़ देते हैं, इसको कैसे? पतंग तो पतंग है ना, आप क्या, ये तो फ्लावर है पूरा, नहीं है तो पतंग ही। अब क्या कोई इंडियन हो या अफ्रीकन हो या कहीं है तो इंसान ही है तो पतंग ही, ये भी लाइक
ये फिलोसफी यहाँ जरूरत थी। काइट तो काइट ही है, कोई भी किसी भी जाति प्रजाति की हो, आप लोग ऐसे कास्टिज्म में इसे फैलाते हो। हद हो गई है। हाँ, पतंग, आप बोलोगे अभी यहाँ की फिरंगी पतंग है। फिरंगी पतंग तो है ये। ये ना लोगों ने ट्री पे बहुत सारे रिबन्स बांधे हुए हैं, हम वॉक करते करते यहाँ पर आ गए। और ये देखो, टाई अ रिबन टू द ट्री एंड मेक ए प्रॉमिस टू से थैंक यू टू अ फ्रंटलाइन वर्कर, रीच आउट एंड कॉन्टेक्ट पीपल इन आइसोलेशन और हेल्प अ फ्रेंड इन नीड। वाह, सो ये सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू बोलने के लिए रिबन बांधे गए थे। सच अ स्वीट जेस्चर। मेलबर्न में स्पून मिले बहुत चल रहा है, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं, तो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे ऐसे स्पून मिले बने हुए हैं कि लोगों को देख के थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड हमको भी हमारे घर के पास एक स्पून मिले मिला, तो हम कैबी को वही दिखाने के लिए, सो ब्यूटीफुल हम भी बनाएंगे कैसी। ये स्पंजबॉब, और वो देखो वहाँ पे मिनियंस, और अरे हाँ वो हेलोवीन वाले भी है। आपको भी बना के यहाँ पे लगाना। और वो देखो मास्क लगाए हुए, आपको भी बनाना है कुछ कल लगाओगे। ये क्या भी एंग्री बर्ड, और क्या है क्या भी, ये है बम्बल बी। ये देखो ये वो जो होता है। हाँ उससे बना दिया ना, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए बम्बल बी, आपको पेंट करने की ब्रश चाहिए। हाँ मैं वही देख रही, कितने अच्छे अच्छे ब्रशेस रख दिए हैं यहाँ पे इन्होंने। वो देखो वो बारिश हो रही है, वो समथिंग कपड़ा पर कितना प्यारा है क्या भी, कितने प्यारे हैं ये। हल्का है ग्रीन वाला, ये रहा हाल। देखिए फेस शील्ड लगा रखी है इन्होंने। Look what we found. This is a street library. यहाँ पे आप it's like take a book, give a book, share a book. तो कैबी के अच्छा luckily वो दो books लाई भी थी। Buy books. Good job. And there's a Peppa Pig book. Someone else will read your book. See, there's a Peppa. I have it. You have it? अच्छा कैबी के पास already है। So, कैबी ने एक ये बुक ली है और एक और ये बुक ली है। Hey guys, so the day was well spent. बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रही पूरे दिन। हमने पूजा करी, हमने व्रत वाला खाना खाया, हम बाहर गए, कैबी को खिलाया, कैबी को घुमाया, और फिर आके शाम को मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई। वो हो ही जाता है बिकॉज जब आपको सॉल्ट नहीं मिलता ना, दो मैंने सेंधा नमक लिया था, बट फिर भी फ़र्क पड़ता है आई गेस, या फिर हो सकता है सिर्फ साइकोलॉजिकल फ़र्क होता हो। तो शाम तक मतलब मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, तो बट अनुज हैं वहाँ पर, अनुज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेते हैं। एंड अनविती को कल से क्राफ्ट का चस्का, एंड शी मेड दिस, शी क्रिएटेड दिस, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। इसको मैं उसके रूम में लगाऊंगी। और मैं भी कल मैंने कैनवस उठाया था, बट कुछ बनाया नहीं था, फिर टाइम नहीं मिला। आज मैंने फिर उठाया, तो आज हिम्मत करिए छोटे से कैनवस से कुछ बनाऊंगी, फिर बड़े पे जाऊंगी, क्योंकि अब बहुत साल हो गए हैं मैंने पेंटिंग नहीं करी है। एंड बट बनाऊंगी कुछ ज़रूर, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। और आकांक्षा आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं अपनी आईब्रोज किससे ग्रूम करती हूँ, सो वो है ये वी ट्रिमर। जब मैं नई नई यहाँ पर आई थी ना, तो जब मुझे आईब्रोज के रेट पता लगे, अच्छा $10 तो मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे पता चला कि अगर आप किसी सबर्ब में जाते हैं जहाँ पे इंडियंस हैं, तो भी
हद से ज़्यादा अगर कम होंगे तो वो $7 हैं। तो मैं जोड़ती थी, मैंने कहा यार और जहाँ पे मैं रहती थी ना वहाँ तो $15 था, तो मैं ऐसे जोड़ती थी यार 750 रुपये में मैं अपनी आईब्रोज बनवाऊंगी, इंडिया में तो मैं 20 रुपये में बनवाती थी, और अगर मैं बहुत ही अच्छे सैलून में चली गई तो 50 रुपीस एट मैक्स, मतलब 2017 की बात है, अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रिमर लिया एंड चेंज्ड माई लाइफ, मुझे इतना अच्छा लगा। अब जब यहाँ के अकॉर्डिंग हम अकस्टम्ड हो गए हैं, हमने अडेप्ट कर लिया है, जब अभी हर चीज़ को हम AUD से INR में कन्वर्ट करके नहीं देखते, तब भी यू नो ये बिल्कुल घर के घर पे आपके एट ईज एक चीज़ रखी हुई है, तो मैं इसे ही ग्रूम करती हूँ। और इसके बाद मैंने अपनी मेरी भाभी को, मेरी फ्रेंड्स को, सबको इसके बारे में बताया और सब यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स लाइक इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हो जाता है, कोई पेन नहीं होता है। सो चलिए मिलती हूँ मैं अब आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, और बहुत सारे DIYs आने वाले हैं, क्योंकि अब मेरा जो DIY के लिए प्यार है ना वो जग गया है, मेरा घर सेट हो गया है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में और करेंगे खूब सारी DIYs। बाय बाय।